हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9 यूनिट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। ये सॉल्यूशन से डिफरेंट होता है। कैसे? सॉल्यूशन क्या था हमारा? होमोजेनियस मिक्सचर था दो मिसिबल लिक्विड्स का, कि दोनों एक दूसरे के अंदर क्या होने चाहिए, कंप्लीटली सोल्यूबल होने चाहिए। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व। कि मतलब क्या है, कोई इनसोल्यूबल सोल्यूट पार्टिकल्स को अगर हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक, और जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो पूरे सोल्यूशन के अंदर, पूरे बल्क मीडियम के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो सस्पेंशन क्या है? इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व बट रिमेन्स सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। जैसे कि आप चॉक पाउडर को क्या करो, पानी के अंदर डालो तो क्या होगा, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा बट बल्कि क्या हो जाएगा, जो चॉक पाउडर है पूरे वॉटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो वो क्या है, सस्पेंशन का क्या है एग्जाम्पल है। ऐसे ही कोई और इनसोल्यूबल पार्टिकल्स अगर हम डाल के देखें, जैसे कि मड हुआ, ठीक, या फिर क्या हुई, सैंड हुई, तो क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनते हैं क्योंकि वो क्या है, वॉटर के अंदर इनसोल्यूबल है बट पूरे क्या है, उस मीडियम के अंदर अच्छे से सस्पेंड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर और क्या, सस्पेंशन। तो जब हम अगर क्या करें उस सस्पेंशन को जो बनी है, जैसे हमने चॉक पाउडर क्या किया, वॉटर के अंदर डाल दिया, तो अगर हम उसे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए क्या करें, एक जगह पे सेट रख दें थोड़ी देर के लिए, तो जो वो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं जो पूरे लिक्विड में फैले हुए थे वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, वॉटर के नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। किसी भी आप बर्तन या फिर बीकर के अंदर लेके देखोगे तो अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे यहाँ पे, जैसे यहाँ ये बीकर है, जब हमने चॉक पाउडर डाला तो ये पार्टिकल सारे वॉटर में क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। लेकिन हमने इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए एक ही जगह पे, तो क्या हुआ, ये जो चॉक पार्टिकल्स थे ये सारे कहाँ आ गए, यहाँ आ गए वॉटर में, नीचे सेटल डाउन हो गए, किसकी तरह, प्रेसिपिटेट्स की तरह। अब क्या होता है नेक्स्ट, क्या है, सस्पेंशन आर फॉर्म ओनली बाय दोज सब्सटेंस व्हिच आर इनसोल्यूबल इन वॉटर। कि सस्पेंशन कब बनता है, सिर्फ उन सब्सटेंस से बनेगा जो क्या होंगे, वॉटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो क्या होने चाहिए, आपके सोल्यूबल पार्टिकल्स इनसोल्यूबल होने चाहिए तब आपका सस्पेंशन बनेगा। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अनडिसोल्व रहते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं। सेकंड क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर लार्ज इन साइज सो विजिबल टू नेक्ड आईज। क्या है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो साइज में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, नेक्ड आईज से भी देख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं, इतने बड़े होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या है, द सस्पेंशन पार्टिकल्स स्टेबल डाउन वेल, सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर आप क्या करें सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होंगे, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे एज अ प्रेसिपिटेट्स। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पे चॉक पाउडर का एग्जांपल था, हमने एक और एग्जांपल लिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वॉटर बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो वॉटर बना है साथ में, उसके अंदर क्या है, वो इनसोल्यूबल है और वो क्या बनता है, एक मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया वॉटर के अंदर तो ये हमारा मिल्की सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक मिल्की सा मिक्सचर बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो व्हाइट पार्टिकल्स है वो कहां आ जाएंगे, यहाँ वॉटर में नीचे एज अ प्रेसिपिटेट्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है सस्पेंशन की, सस्पेंशन आर ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। जैसे सॉल्यूशन क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ओपेक होते हैं या फिर ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, मिल्की सॉल्यूशन, मिल्की कोई लिक्विड बन रहा है, मिल्की मिक्सचर बन रहा है, तो ऐसे ही क्या होते हैं,
सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन द साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन होते हैं उनके बीच में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज के इन बिटवीन उनके साइज होते हैं। कैसे? कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर के आसपास, और सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है 100 नैनोमीटर, एक्सट्रीमली लार्ज। तो इनका इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा, ठीक है? ना तो ज्यादा बड़े ना ही ज्यादा छोटे। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के मीडियम होते हैं और सस्पेंशन के एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिनमें साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन द साइज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स? ड्यू टू स्मॉल साइज दीज अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। कि इनके पार्टिकल्स का साइज थोड़ा स्मॉल ही होता है सस्पेंशन से, तो इस वजह से ये दिखने में कैसे दिखते हैं हमें कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन? हेटरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और हम इन सॉल्यूशन के लिए सोल वर्ड यूज करते हैं ताकि सॉल्यूशन से हम क्या कर सके, इसे डिफर यूज कर सके। जैसे कि हम यूज करते थे सॉलिड सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉलिड क्या कैसे एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सॉलिड सोल, लिक्विड सोल, ताकि हम उसे सॉल्यूशन से क्या कर सके, डिफर कर सके। अब आते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स देखे थे, बाइनरी सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ऐसे ही इसके अंदर भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिस्पर्स डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्यों? क्योंकि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सिंगल फेज में लाइट नहीं करते, दो फेज में लाइट करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेस कैसे होते हैं? इस सॉल्यूट की तरह स्पीशीज होती है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूट को हम क्या डालते थे? सॉल्वेंट में डालते थे। ऐसे ही ये वाले क्या होते हैं? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं सॉल्वेंट लाइक मीडियम के अंदर। वहां हम सॉल्वेंट ले रहे थे, यहाँ पे सॉल्वेंट लाइक मीडियम बोल रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस या फिर डिसकंटिन्यूअस फेस। फिर आता है हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? एज ए सॉल्वेंट होता है, तो ये क्या है? द सॉल्वेंट लाइक मीडियम इन विच डिस्पर्स फेस इज डिस्पर्स थ्रू आउट। कि जिसके अंदर हम क्या, जैसे सॉल्वेंट क्या था? जिसके अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट हो गया जिसके अंदर हम डिस्पर्स फेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और वो सारे उसके अंदर मीडियम के अंदर क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। और तो इसलिए हम डिस्पर्जन मीडियम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फेस बोलते हैं। तो डिस्पर्स फेस एज अ क्या है? सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, और डिस्पर्जन मीडियम एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। नोट इट डाउन। तो दोबारा से डिस्पर्स हो जाएंगे,
बाय नेक्ड आईज। इन्हें हम नेक्ड आईज से विजिबल नहीं कर सकते, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है जबकि सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होता है। और क्या करते हैं, ब्राउनिंग मूवमेंट शो करते हैं। ब्राउनिंग मूवमेंट क्या होता है कि जिगजैग मोशन में हमेशा कोलाइडर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। जिगजैग मोशन क्या, जैसे ऐसे ये यहाँ पे कोलाइडर पार्टिकल्स, फिर इसने इससे किया, फिर इसने इससे किया, फिर इसने इससे। और किस वजह से होती है ये ब्राउनिंग मूवमेंट, ये कट नहीं, क्यों? क्योंकि कोलाइडर पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करती है, एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग मूवमेंट बोलते हैं। लास्ट में क्या है कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कैसे? क्योंकि इतने बड़े तो होते ही हैं कि स्कैटर कर सके लाइट को जो इनके अंदर से पास हो रखी है, क्योंकि सॉल्यूशन के तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए लाइट को स्कैटर कर सकती है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कैसे? हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, ये है टॉर्च लाइट, दो हमने बीकर लिए, एक के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला ब्लू कलर का, दूसरे के अंदर हमने मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन डाला। तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वहां पे हमें क्या हुई, लाइट विजिबल नहीं हुई, ठीक है, उसका लाइट का जो पाथ है वो तो हमें विजिबल नहीं हुआ। लेकिन मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन के अंदर हमें लाइट का क्या है, जो पाथ विजिबल हो गया। तो ये है टिंडल इफेक्ट। जैसे टिंडल इफेक्ट स्काई जो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है वो भी किस वजह से है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। नोट इट डाउन, ये क्या थी, ये सभी प्रॉपर्टी थी कोलाइड्स की, ठीक है। और कोलाइड्स क्या होते हैं, चार्ज कोलाइड्स भी होते हैं, मतलब दो तरह की सोल बनती है, नेगेटिवली चार्ज सोल और पॉजिटिवली चार्ज सोल। जैसे नेगेटिवली चार्ज सोल क्या हुई, हीमोग्लोबिन, पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या हुई, जैसे स्टार्च, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में भी काफी यूज होता है, मेडिसिन के अंदर, डिफरेंट टाइप की सोप्स के अंदर, डिफरेंट टाइप की सोल्स जो हम बनाते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, चैप्टर ये फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे।